Assalamualaikum class 7, how are you? I hope all of you are fine and enjoying the good health. Let's start the study. Open your book. Today we are going to read the topic is osmosis. Moving molecule, water molecules. Osmosis is a special kind of diffusion. While diffusion can describe the movement of any kind of molecule, osmosis is only about the movement of water molecule. बेटा जो सा ये ऑस्मोसिस होती है ये क्या होती है एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होती है डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल की मूवमेंट जैसे कि इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है साल्ट मॉलिक्यूल हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है बट जो ऑस्मोसिस होती है ये सिर्फ किससे रिलेट करती है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की ठीक है ऑस्मोसिस क्या होती है स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होती है और डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकिन जो सा ऑस्मोसिस है ऑस्मोसिस सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से कंसर्न होती है ठीक है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस अब ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन होती है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव करके लो वाटर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे किस किस के अक्रॉस पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के यानी कि पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ इसको क्या कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं ठीक है यानी कि ये देखें ये समझिए आप पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और क्या यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की देखें ये शुगर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये छोटे वाले किसको कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं तो जो ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स है वहाँ से और ये समझे पार्शली मेम्ब्रेन है परमिएबल मेम्ब्रेन है जो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है वहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जंप आउट करके कहाँ आ जाएंगे कम वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ आ जाएंगे ठीक है और यहाँ पे सेंटर में से परमिएबल मेम्ब्रेन है परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो कि सिर्फ कुछ वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देती है और छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के इसीलिए वो फिट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए अब देखें शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बड़े हैं ये शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें से पास आउट नहीं हो सकते ठीक है अब पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन हैज़ वेरी टिनी होल्स इन इट विच ओनली अलाउज द सब मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू अब जो पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके बहुत छोटे से होल्स होते हैं जो कि सिर्फ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को गुजरने देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स विल फिट थ्रू दीज होल्स बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं इसीलिए वो जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके लिए क्या होते हैं फिट होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर मॉलिक्यूल्स आर टू बिग टू गेट थ्रू द होल्स अब जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े होते हैं और परमिएबल मेम्ब्रेन के होल्स में से पास आउट नहीं कर सकते वाटर कैन पास बोथ साइड बोथ फेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट बिकॉज दीज आर मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वीक शुगर सॉल्यूशन देन इन द स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव मेनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन दिस गोज ऑन अंटिल बोथ साइड्स हैव द सेम कंसंट्रेशन ओके तो होता ये है कि जो उनका वीक शुगर सॉल्यूशन है यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं ठीक है जो वीक शुगर सॉल्यूशन है वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन है वहाँ पर क्या होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कम होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं और वीक वाले सॉल्यूशन में क्या होते हैं ज़्यादा है एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल्स परमिएबल के थ्रू दोनों तरफ जा सकते हैं वो इस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं लेकिन होता ये है कि जहाँ पर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से मॉलिक्यूल्स जंप आउट करके कम वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ चले जाते हैं अक्रॉस द परमिएबल मेम्ब्रेन और ये प्रोसेस उतनी देर तक होता रहता है जितनी देर तक दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं हो जाती
ठीक है, दोनों साइड्स पर क्या नहीं हो जाती, वाटर कंसंट्रेशन उनसी ये सेम नहीं हो जाती, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर पार्शली परमीएबल। अब पार्शली परमीएबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल कौन सी हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन है और दूसरी कौन सी है, प्लांट की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑस्मोसिस इज प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स एंड लीव्स द सेल। अब ऑस्मोसिस ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है सेल को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं या क्या करते हैं बाहर आते हैं, ठीक है। ओके गर्ल्स, इसका मतलब ये है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ दी मॉलिक्यूल्स होता है, और ये कौन सी मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स को कर रही है, ठीक। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जहाँ पर वाटर का हाई कंसंट्रेशन होता है, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, वहाँ से वो मूव कर जाते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ थ्रू अ परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमीएबल मेम्ब्रेन क्या मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक, और वाटर के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं इसलिए वो उन होल में से इजीली पास आउट कर जाती हैं, और क्या होते हैं परमीएबल मेम्ब्रेन के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिट होते हैं, ठीक है। और इस परमीएबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट है एंड एनिमल सेल है, और ऑस्मोसिस ही की वजह से सेल में वाटर इन होता है और आउट होता है, ठीक है। अब आप इस फिगर की तरफ आ जाएं, ये आप सब देख रहे हैं ये बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर जो सा है यहाँ पर वीक शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो सी है ये पार्शली परमीएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या चीज़ है, वो जो सी आप अंडे के अंदर वाइट झिल्ली देखते हैं वो भी क्यों क्या होती है, परमीएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये समझ लें ये अंडे की वही वाइट पूरी जो सी झिल्ली है उसका एक बैग बना दिया गया है, और इसके अंदर क्या कर दिया गया है, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर दिया गया है, ठीक है, और ये इस तरह से हैंग आउट कर दिया। कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये सॉल्यूशन जो सा है यहाँ तक पहुँच गया, ये देखें आप, ये वीक सॉल्यूशन ऑफ शुगर था, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा थे इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स इस पार्शली परमीएबल मेम्ब्रेन से पास आउट होकर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में आते गए, इसमें जंप करते गए यहाँ से करते गए, और ये यहाँ तक इसका लेवल यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स इनके वाटर मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या हो गई, सेम हो गई। ओके गर्ल्स, अब आपने क्या करना है, ये स्टडी अच्छी तरह से करनी है और अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।